बर्फी आपने बहुत तरह की देखी होंगी, बहुत तरह की खाई होंगी, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जैसी बर्फी हम आपको आज दिखाने वाले हैं, ऐसी आपने ना ही तो कहीं कोई बर्फी देखी होगी, ना ही कहीं खाई होगी। नाम है इसका आइसक्रीम बर्फी, बनती है प्योर चॉकलेट से, और टेस्ट मैं बोल रहा हूँ दीवाने हो जाएंगे आप। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। तो गाइस ये देखिए, व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट है ये। तो ये जो बर्फी है दूध से नहीं बनती है, चॉकलेट से बनती है, और आप देखिएगा कितनी चॉकलेट लगेगी। ये देखिए सारे में चॉकलेट पड़ी है, और ये देखिए चॉकलेट को पटक के मारा जा रहा है। तो चॉकलेट को इसलिए पटका जा रहा है कि इसे तोड़ा जाएगा पहले, कि ये अच्छे से पिघल जाए। चॉकलेट अपनी सारी घोड़ी जा चुकी है, अब इसके बाद इन्हें काटा जाएगा। तो ये देखिए लगातार चॉकलेट निकलती जा रही है, उन्हें काटा जा रहा है। काटने के बाद वो जा रही है इधर, फिर खोल के बाहर निकाल दी जाएंगी। तो टोटल अपनी 60 किलो व्हाइट चॉकलेट, ये देखिए गाइस 60 किलो व्हाइट चॉकलेट है जिससे बर्फी बनाई जाएगी यहाँ पे। अब गाइस देखिए कढ़ाई आ चुकी है, और कढ़ाई भी डायरेक्ट नहीं रखी जा रही है भट्टी के ऊपर, गर्म पानी में रखी जा रही है। कढ़ाई अब गर्म हो चुकी है, और इसके अंदर देखिए व्हाइट चॉकलेट डाली जा रही है। एक ट्रे में 12 किलो है। अब चॉकलेट को पिघलाया जाएगा कढ़ाई में, पहले जब ये 12 किलो पिघल जाएगी उसके बाद अगली 12 किलो डलेगी। ये चॉकलेट अपनी पिघल चुकी है, और अब इसमें दूसरी ट्रे आ चुकी है। तो 12 किलो ऑलरेडी पिघल चुकी है, और इसके अंदर 12 किलो व्हाइट चॉकलेट और डाली जा रही है। ये चॉकलेट भी अपनी पिघल चुकी है, अब इसके अंदर एक और ट्रे आ चुकी है। ये आ गई है चौथी ट्रे चॉकलेट की। चार ट्रे चॉकलेट की इसमें पिघल चुकी है, और अब ये आ गई अपनी पांचवी ट्रे। तो टोटल 60 किलो चॉकलेट आ गई है कढ़ाई में। और ये देखिए आप, कढ़ाई भरी हुई है चॉकलेट से। आपने इस तरीके से भरी हुई कढ़ाई में मावा निकलते हुए देखा होगा, लेकिन चॉकलेट इस तरीके से कढ़ाई के अंदर पिघलते हुए आपने कभी नहीं देखी होगी। कोई आधा घंटा हो चुका है, और अब देखिए जो चॉकलेट अपनी ऑलमोस्ट पूरी पिघल गई है। तो गाइस अब ये टूटी फ्रूटी आ चुकी है अपने तीन डिफरेंट फ्लेवर्स में, इन्हें काटा जाएगा, और अब ये जाएगी चॉकलेट के अंदर। ये देखिए टूटी फ्रूटी आ गई है, ये डाली जा रही है चॉकलेट के अंदर। अभी 60 किलो चॉकलेट के अंदर 40 किलो टूटी फ्रूटी डाली जा चुकी है। तो गाइस मैंने भी बहुत मिठाइयां बनते हुए देखी हैं, लेकिन एक पूरी कढ़ाई भर के पिघली हुई चॉकलेट और उसके अंदर टूटी फ्रूटी, ऐसा कुछ बनते हुए मैंने भी कभी नहीं देखा। आपने भी अगर ये पहली बार ऐसी कोई मिठाई बनते हुए देखी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आप गाइस ये पक्के तैयार हो चुकी है, अब इसे नीचे उतारा जा रहा है, और ये एक क्विंटल तैयार हुई है, टोटल 100 किलो। अब इसे बाहर निकाल के ट्रे में जमाया जाएगा। ये देखिए व्हाइट चॉकलेट और टूटी फ्रूटी, अब ट्रे आ गई है इधर जहाँ पे इन्हें सेट किया जाएगा। भैया कितनी देर लगेगी इसे जमने में? एक घंटा। तो अब एक घंटे के लिए छोड़ दिया जाएगा। गाइस को एक घंटा हो चुका है, बर्फी अपनी जम चुकी है। तो ये देखिए ट्रे पहले ली, क्योंकि बहुत टाइट हो जाती है तो पटका जा रहा है पहले इन्हें, और पटक के ये देखिए गाइस ये अपनी ट्रे से बाहर आ गई है, और ये देखिए कितनी बेहतरीन लग रही है। अपनी जितनी भी ट्रे है उन सबको उठाया जाएगा, पटका जाएगा कि वो ट्रे से अलग हो जाए, उसके बाद वो यहाँ पे लाके उल्टी कर दी जाएंगी, और आप देखिए बिल्कुल परफेक्ट जम के निकली है। तो ये देखिए गाइस अब ये काटी जा रही है बर्फी अपनी, और जितनी भी ट्रे रखी है ये सारी की सारी निकाली जाती रहेंगी और सारी काटी जाएंगी। आप देखिए तीन लोग मिलकर एक साथ कटिंग कर रहे हैं। तो गाइस ये देखिए अब सारी काटी जा चुकी है, अब इन्हें ट्रे में लगाया जा रहा है, यहाँ से जाएंगी शॉप में, वहां से सेल की जाएंगी। मैं मिठाइयों का शौकीन हूँ, बहुत तरह की बर्फी खाई है मैंने, लेकिन ये चॉकलेट की बनी हुई बर्फी, प्योरली चॉकलेट की बनी हुई बर्फी, ये मैं पहली बार ट्राई करूंगा आज। प्योर व्हाइट चॉकलेट, और उसके अंदर टूटी फ्रूटी डाली हुई है, जो टेस्ट है बेहद लाजवाब आ रहा है। मतलब रिव्यू करने का दिल नहीं कर रहा, खाने का दिल कर रहा है, इतनी टेस्टी। प्राइस इसका 500 रुपये केजी, और जो इसकी लाइफ है वो भी कोई 5-6 महीने। अगर आप विंटर्स में लेंगे तो आप अब ले जाइए, पूरी सर्दियों चलेगी, और आपके घर में जो भी बच्चे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता उन्हें बर्फी पसंद ना आए। तो अगर आप गाजियाबाद आ रहे हैं या गाजियाबाद के आसपास से भी निकल रहे हैं, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, आप आइए अम्बेडकर रोड पर शगुन स्वीट्स पर, वहाँ पर आपको मिलेगी ये बर्फी, बेहद टेस्टी, जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बेहद ज़्यादा पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री। और ना केवल आपको यहाँ पे आइसक्रीम बर्फी मिलेगी, इसके अलावा भी यहाँ पे आपको बहुत सारी बिल्कुल ही यूनिक तरह की मिठाइयाँ मिलेंगी। मोर देन 150 वेराइटीज है यहाँ पे मिठाइयों की। तो अगर आप गाजियाबाद आ रहे हैं तो शगुन स्वीट्स तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, जरूर आइएगा।